हेलो दोस्तों, पिस्टन पावर एटॉक चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे महिंद्रा जीतो का हीटिंग प्रॉब्लम, ओवर हीट होने का जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से आ रहा है वो देखेंगे। ये देखिए कि उसकी हीटिंग की जो लाइन है वो आप वीडियो में देख लीजिए। तो आपने देखा होगा कि लगभग चार लाइनें थी मीटर में, और अलार्म भी बजता था लेकिन वो मैं दिखा नहीं पाया आपको। तो आप समझ सकते कि जोर से बीप आता है जब हीट होती है गाड़ी। तो पहले वो आता था तो मैंने एक जगह पे उसको रोक दिया था, ज़रा रुकाई थी गाड़ी। अभी इसको खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें कूलेंट की क्या स्थिति है इसके अंदर। और इससे खोलते वक्त थोड़ा ध्यान से, गर्म हो तो अब नहीं खोलना चाहिए। गाड़ी ठंडा होने के बाद, और ठंडा होने के बाद भी उसमें प्रेशर रहता है, तो धीरे धीरे उसको करके खोलना चाहिए। एक दो थ्रेड पहले खोलना चाहिए, जैसे आवाज़ भी आता है उसमें से। ये देख लीजिए, इसमें तो कुछ कूलेंट दिख नहीं रहा है, पूरा एम्प्टी है इसके अंदर। तो अभी इसको मैं धीरे धीरे खोलूँगा। दो या तीन थ्रेड उसको खोलने के हैं, पूरा नहीं खोलने का। जैसे प्रेशर रिलीज होता है उसके बाद आप पूरा खोल सकते हो उसको। तो उसमें कूलेंट तो दिख नहीं रहा है, तो उसको हम पूरा खोल के देखेंगे कि अंदर कूलेंट की क्या सिचुएशन है। तो अभी ऐसे धीरे धीरे इसको खोल के लेने का और देखने का। फिर देखिए, अभी हम इसमें कूलेंट नहीं है तो कूलेंट डालेंगे उसका। अभी जो दूसरी हमारी गाड़ियाँ रहती है, जैसे कि रेडिएटर के ऊपर कैप जो रहती है ना, तो ये जीतो में वैसा नहीं है। ये कैप की तरह ही काम करता है। जो अभी हमने येलो कलर का टिन जो खोला है वो क्या करता है कि जो रेडिएटर के ऊपर कैप रहता है ना, उसी की तरह प्रेशर मेंटेन करने का भी काम यही करता है। और इधर से वो गाड़ी में कैप खोल के हम जैसे डालते हैं तो रेडिएटर है और इसी के ऊपर कैप रहता है। तो अभी इसमें वैसी प्रोविज़न नहीं है दी हुई। तो ये जो, और ये इसका आउटलेट है, यह हम अभी खोलने वाले हैं, इसको क्लच भी करेंगे। अभी इसमें, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कूलेंट को रिफिल किया जाता है। और वो कूलेंट कम होने की वजह अभी मेरे को पता नहीं है क्यों कम हो गया, गाड़ी तो नहीं है। तो ये देखिए कि ये विडोल का कूलेंट मैंने लाया है और डिस्टिल वाटर है, ये ग्रीन कलर में आता है, पानी भी उसमें मिक्स करने का है। एक लीटर में 3.5 एक लीटर कूलेंट और 3 लीटर ये पानी डालने का है, डिस्टिल वाटर है वो। अभी इसको स्क्रू ड्राइवर से धीरे से खोलने का है और धीरे धीरे खोलने का है। कूलेंट गर्म भी हो सकता है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके। और एक काम करने का है, ऊपर की कैप जो है कूलेंट की वो खोल के लेने का है पहले से, नहीं तो यहाँ से कूलेंट नहीं आएगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, ये प्रेशर जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है, एग्जर्ट नहीं होने देता बाहर, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करता है वो कैप, उसी के ऊपर ही पूरा गेम है इसका। तो ये उसको खोलेंगे आप तो, अगर खोला नहीं रहेगा तो ये कूलेंट बाहर नहीं आएगा इसका। तो उसको मैंने पहले ही खोल दिया है ऊपर, जो येलो कैप है वो, उसके बाद ही इसको खोलने का है। फिर क्या होगा, इधर से आप खोलेंगे, नीचे से खोलेंगे और फिर ऊपर खोलने को जाऊंगे तो एक ही बार सब नीचे आ जाएगा कूलेंट, और पूरा वो एक जगह पे गिरेगा नहीं। अभी हमको इसको फ्लश ही करने का है, तो मैं उसको बाहर ही छोड़ दूंगा। ये देख लीजिए, ये पुराना कूलेंट का कलर कुछ पिंक जैसा है। अभी ये कुछ रेडिएटर में और इंजन में रहता है, इंजन में लगभग 1 लीटर तक रहता है कूलेंट, मतलब जो जैकेट रहते हैं कूलेंट के,
सिलेंडर के बाजू में वो एरिया पकड़ के, और दूसरा हेड वगैरह, ऐसा कुल मिला के तकरीबन 1 लीटर तक इंजन में रहता है, और बाकी का है वो हमारा रिजर्वायर जो है और ये रेडिएटर इसमें रहता है। तो अभी देख लीजिए, ये मैंने मेजर के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये अपना ये उसमें मैंने डाला है, पहले फ्लश करने के लिए वाटर डाला है एक दो बार, और ये फ्लश करने के लिए सादा पानी नहीं लेने का है, डिस्टिल वाटर ही लेने का है, जो रेगुलर वाटर हम यूज़ करते हैं वो नहीं लेने का है, उससे रस्ट वगैरह बाद में आता है रेडिएटर में, तो इसलिए हम डिस्टिल वाटर उसका यूज़ करेंगे। एक दो बार इसको फ्लश करेंगे क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है, ये नॉर्मल गाड़ी जैसा, मतलब जो कार वगैरह है उसकी तरह उतना हेवी को नहीं है, ये सिंगल सिलेंडर ही है तो उसमें ज़्यादा फिलअप नहीं रहता है। और ये इसका नीचे का है, उसको लगाएंगे, एक कूलेंट है विडोल का। कूलेंट पूरा डालने के बाद लेवल आने तक वाटर डालिए, डिस्टिल वाटर, अभी भी 1 लीटर मैंने डाला हुआ है, उसके बाद देखेंगे कि कितना वाटर इसके अंदर जाता है।